अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू आर फाइन। एक और वीडियो के साथ मैं आ गई हूँ आपके साथ। तो पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बहुत इजी तरीके से पेंटिंग बनाना सिखाई थी, जिसके लिए सिर्फ 2 आइटम्स चाहिए थे। और अगर अभी तक आपने वो नहीं देखी है वीडियो, तो प्लीज़ जाकर आप देख लें। और जो है चले, आज मैं आपके लिए एक कोई न्यू पेंटिंग नहीं बल्कि एक DIY लाई हूँ। और आज मैं बनाने वाली हूँ एक होल्डर। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले आपका जो भी ऑयल का कार्टन हो, या अगर आपके पास कोई फालतू वॉशिंग मशीन या कोई भी स्त्री का कोई भी खाली कार्टन या कार्डबोर्ड हो, उससे आप ये शेप कट कर लें। और अगर आपको ये शेप नहीं चाहिए तो आप चकोर शेप भी कट कर सकते हैं। और ये हमने कुछ स्टेप्स कट की हैं, 2 स्टेप और 1 लंबी वाली। सही। तो पहले मेरे पास ये वाइट कलर की शीट है। आपके अगर आपके पास कोई जो है कलर शीट हो, तो आप कलर शीट भी ले सकते हैं, बट मेरे पास वाइट है, मैं वाइट हूँ। तो पहले तो मैं डायरेक्ट इसको कट नहीं करूँगी इसकी शेप में, बल्कि इस पर घू लगा के इसको चिपका दूँगी। सही है। मैं आप लोगों को ना इसको पूरा फैलाना नहीं है, बस इसको साइड पे लगा लेना है। सही है। साइड पे बूटा के पूरी लूप जाया ना हो हमारी, और लग जाए साइड पे लगाने के अच्छे से, क्योंकि बीच से चिपकती नहीं है, बस साइड पे ही चिपकती है। तो सच हम साइड पे ही चिपका रहे हैं। मैं यहाँ पे ना टिप टॉप ग्लू से चिपका रही हूँ। आप कोई भी ग्लू लें, आपका जो भी हो, हार्डर ग्लू हो, एलजी जो भी कोई ग्लू हो आप ले लें। सही है। तो अभी मैं ना इसके अंदर चिपकाने के बाद इसको पेस्ट करूँगी। अगर आप कट करेंगे ना तो अजीब सा लगेगा, तो आप इसको प्लीज़ कट ना करें, इसको डायरेक्टली चिपका लें। चिपक गए। तो अब हम जो है इसको इस पर चिपका देते हैं। ये हमने इसको अच्छे तरीके से चिपका दिया है, इस पर अच्छे से पेस्ट करने में। इसीलिए इसको अपने हैंड से भी मैश करें। जब आपको पता चले कि भाई अच्छे से चिपक गया है, तो फिर उसका हम इसको कट आउट करेंगे। देखिए ये अच्छे से चिपक गया है ना, मुझे ये लग रहा है अच्छे से चिपक गया। तो अब देन हम जो है इसको कट करेंगे, बट इसको ना साइड से इसके ना छोटे कर दें, क्योंकि हम इसको जो है ना ऐसे नहीं छुपाएंगे, बस को कट करके छुपाएंगे। तो जो है ना इसको हम साइड से इसके चकोर शेप से, तो हम इसको थोड़ा यू गोल शेप दे देंगे, राउंडिंग शेप करेंगे इसको ना इस तरह। मैंने ना वाइट कलर की शीट पहले से ला कर रख दी थी, तो इसलिए मैं ना कोई और शीट नहीं लाई, और अंकल की दुकान भी बंद थी, तो मैं इसलिए जो हूँ वाइट कलर की शीट यूज़ कर। तो अगर लेकिन क्योंकि ना मुझे वाइट भी ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि आप उस पर कोई ड्रॉ भी कर सकते हैं कोई चीज़ है उस पर। अगर आपके पास नहीं भी है, वाइट ही है, और आपको वाइट यूज़ करेंगे, तो आप उस पर पेंट भी कर सकते हैं। चले इसको साइड से चाहते हैं, इस तरह से कट करें, इस तरह कुछ इस तरह कट करेंगे इसको, और एक हम साइड से करेंगे कट। ये ना इसी से चिपक जाएगी। तो ये हमने इसको इस तरह कट कर ली है। अब देखिए, इसलिए मैंने इसको कट की थी ताकि ये इजी से चिपक जाए। चले इसको मिलते हैं चिपकाने के बाद। सो गाइस, मैंने इसको चिपका लिया है बहुत अच्छे तरीके से। देन हम आप ये करेंगे कि इसके ऊपर चिपकाएंगे इनके जो रॉड्स हैं, लंबे लंबे स्टिक्स चिपकाएंगे हम। सो मिलते हैं इसको चिपकाने के बाद। तो गाइस देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैंने जो है 2 सेम साइज़ की ली है रॉड, और एक जो है ऐसा जैसी ली है। ये एक्स्ट्रा है, तो इसको मैं हटा दूँ, जैसे मैंने इसकी गलती से काट ली थी। बट हमको जो है एक नीचे चिपकानी है, क्योंकि पैंट होल्डर के लिए हमको ऊपर पैंट भी रखना होगा। चलिए जैसे इस समय इसको चिपकाया है, वैसे हम इसको भी चिपका लेते हैं। सो गाइस, मैंने इन सबको कर लिया है, देख सकते हैं स्टेप चिपका लिए हैं। तो अब हमको बस ये करना है, हमारा लास्ट फाइनल काम ये है कि हमको इसको चिपकाना है, पेस्ट करना है। तो चाहे हम चिपकाते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये तो मैं आपको सारी करूँगी।
फर्स्ट थॉट हमारी ये है, हमको भी एक थोड़ी सी स्टेप लेना है क्योंकि एक कटी तो सेम ही है हमारी, तो इस पे साइड पे हमको ग्लू लगानी है इसके, तो आप चाहें तो किसी भी साइड पे इसको यू कर सकते हैं। देखिए यूँ मैंने इसको चुका दिया, सही है। अब आप चाहें साइड पे चुका दें, साइड पर चुकाने में बात एक ही है, ठीक है ना। देन हमको जो है इसको नेक्स्ट साइड से चुकाना है, तो भी चुका लिया, स्टार्ट कर देते हैं। इस साइड पे ये चिपका दिया हमने, तो देखें ये हमने इसको चिपकाया है यहाँ पे, इसको हम ना नीचे की साइड पे चिपकाएंगे। क्यों चिपकाएंगे मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि ऊपर तो हम अपना सारा जो होल्डर है, जो भी सामान रखना है होल्डर के अंदर हमको, वो रखेंगे ना। एक मिनट पे आपने ना ये चिपकाने के बाद एक काम करें, इसको यहाँ पर भी चिपका दें, क्योंकि अब हम इसको रखेंगे तो इसको भी तो चिपकाना है ना हमको, इसलिए यहाँ पे इस तरह, सही है, अच्छा लग रहा है। तो देखिए अब बस लास्ट फाइनल स्टेप हमारा रह गया है, तभी से उसको भी कर लेते हैं कंप्लीट। इस साइड को भी ऐसे चुकाएं और पेश कर रहे हैं, नहीं हाँ निकाल लूँ, कैसे ये चिपका दी है, सही है। एक हम साइड पर अब हम एक काम करेंगे कि इसको यूज करेंगे इस साइड, इसके कोने पे भी हमें लगाइए, वो इसलिए लगाई देखें गाइस, देखें कुछ ही इस तरह ले गया। अब हमको इसका कवर बनाना है, सही है, चलिए हम इसका कवर बनाना स्टार्ट करते हैं। हम तो इसके लिए हम एक और जो है ये लेंगे, है ना, और इसको भी कट करने के बाद मिलते हैं। तो गाइस देखिए मेरा बन के तैयार है, इसका ऊपर का हिस्से भी मैंने जिसे इस पे चिपकाई थी और साइड पे चिपकाई थी वैसे मैंने इसके ऊपर भी चिपका ली है। और देखिए हमारा पेन होल्डर बन के तैयार है, इसके अंदर जो भी सामान रख जाए रख सकते हैं। कैसा लगा आपको मेरा आज का वीडियो, देख चुके हैं अपने अगले वीडियो में, देख चुके हैं, अल्लाह हाफिज़, बाय।